Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu taala alayhi wasallam. Mere pyare aqa alayhi salatu wa taslim ke pyare diwano, ek bhai ne sawal kiya tha ki hazrat khana khane se pehle meetha khana sunnat hai ya khana khane ke baad mein meetha khana sunnat hai? Kyunki bahut jagah aisa hai jahan par khana khane ke baad meetha diya jata hai aur kaha jata hai ki ye baat sunnat hai, और कहीं पर खाना खाने से पहले मीठा दिया जाता है और कहा जाता है कि खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत है। तो हजरत, इसकी हकीकत क्या है? क्या खाना खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत है या खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है? मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ना खाना खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत है, ना खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। आप इस मुगालते में ना रहें, आप इस चीज से दूर रहें। ना खाना खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत है और ना ही खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। तो सुन्नत कब है? खाने के बीच में जो है वो मीठा खाना सुन्नत है। खाना खाने के बीच में आप खाना खा रहे हैं और बीच में थोड़ा सा मीठा खा लें, ये सुन्नत है। लेकिन खाने से पहले मीठा खाना या खाने के बाद मीठा खाना और ये कहना सुन्नत है, तो किसी हदीस से बात साबित नहीं है। इब्ने माजा की हदीस पाक है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अली, अपने खाने को नमकीन से शुरू किया करो और नमकीन पर खत्म किया करो, इसलिए कि उससे इंसान के जिस्म से 70 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। 70 बीमारियों का खात्मा होता है अगर कोई इंसान नमकीन से खाना खाने की शुरुआत करे और नमकीन पर खत्म करे। तो इससे बात साबित हो जाती है कि खाना खाने से पहले भी मीठा खाना सुन्नत नहीं है और खाना खाने के बाद भी मीठा खाना जो है वो सुन्नत नहीं है। तो आप जो है इस चीज से परहेज करें, इसमें ना रहे कि खाना खाने के बाद मीठा खा लीजिए। हजरत, खाना खाने के बाद मीठा खाना जो है वो सुन्नत है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप खाना जो है वो नमकीन से शुरू करें और जो है वो नमकीन पर खत्म करें। और मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूं कि आप खाना खाने से पहले थोड़ा सा नमक चख लें और खाना खाने के बाद जो है वो भी थोड़ा सा नमक जो है वो आप चख लिया करें। यही, क्योंकि आप नमकीन से आपका खाने की शुरुआत भी हो जाएगी और नमकीन पर खत्म भी हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे में सुन्नी दावत इस्लामी के जो मदारिस हैं, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 60 मदारिस हैं और हर मदारिस के अंदर ये मामूल बना हुआ है कि वहां खाने से पहले नमक जो है वो जरूर दिया जाता है। और बाद जगह जहां लोग सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाकिफ हैं, आप कहीं भी दावत में जाएंगे तो उनको जो है वो चीज नमक जरूर दिया जाता है, खाने से पहले और खाने के बाद। इसलिए कि खाने से पहले इंसान नमक खाएगा और खाने के बाद तो इंसान 70 बीमारियों से शिफा उसको मिलेगी। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि नमकीन से खाना शुरू करो, नमकीन पर खत्म करो, इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। तो आप खाना खाने से पहले नमकीन से शुरुआत करें और नमकीन पर जो है वो खाने का इख्तिताम करें। हाँ, बीच में आप मीठा खा लिया करें, बीच में जो है वो मीठा खाना सुन्नत है। तो ना खाना खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत है और ना खाना खाने के बाद जो है वो मीठा खाना सुन्नत है। बीच में, खाने के बीच में मीठा खाना सुन्नत है। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में बात आ गई होगी। तो आप जो है इस चीज पर अमल करें। अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।